हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? यार सो यार मैं सोच रहा हूँ यार, यूट्यूब से ना सीरियसली मुझे और जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं ना बड़े बड़े, उन सबको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। क्योंकि भाई आमिर भाई का कहना है कि हम कुछ नहीं करते, हमारा खुद का कुछ कंटेंट नहीं होता, हम सिर्फ भेड़ बकरी चाल चलते हैं। जो टिकटॉक पर जो ट्रेंड होता है हम चुरा कर वो यूट्यूब पर डालते हैं, अपना कुछ ओरिजिनल कंटेंट ही नहीं है। तो भैया मैंने तो सोच लिया भैया, मैं यूट्यूब को अब छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर एक मैं रिटायरमेंट का प्लान बनाकर बैठा। प्लान क्या है मेरे रिटायरमेंट का? मैं ये छोटे छोटे टैडी होते हैं ना, तो इनको मैं कपड़े पहनाऊँ इनके बून बून के। सीरियसली मैंने देखो, मैंने शुरू भी कर दिया ना कपड़े पहनाना, देखो यूज भी किया ना कपड़ा। तो ये मेरा प्लान है भैया। आमिर सिद्दीकी भाई ने सीधा मुंह पे बोल दिया है कि यूट्यूबर्स इज जीरो। भाई ये मेरा कहना नहीं है, ये आमिर भाई ने कहा है कि भैया हम कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ भेड़ बकरी चाल चलते हैं, व्यूज पाने के लिए हम टिकटॉक की वीडियो को उठा के यूट्यूब पे हम उसको रोस्ट कर लेते हैं या उनका जो भी कंटेंट को हम चुरा के करते हैं यूज। ये आमिर भाई का कहना है, चाहे आप, मैं नहीं कह रहा, आप सुन लीजिए आमिर भाई की बात में। What's up everybody, that's your boy Amir Siddiqui live all the way from Mumbai। तो कैसे हैं आप लोग? अब मैं बात करना चाहूंगा मेरे फेलो टिकटॉकर्स से। तो गाइज आप लोग छिड़ो मत, डीमोटिवेट मत हो। अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है, रोस्ट कर रहा है, तो उसको स्पोर्टिंगली लो। और मैं जितने लोग वो यूट्यूबर्स है जो तुमको ट्रोल करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। तो अगर हम YouTube पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगा। आज तुम एंगेजमेंट की बात कर लो, मैं पहले ही बता देता हूं मेरे को ये चीज का घमंड नहीं है, मैं बस बता रहा हूं क्योंकि आप लोग ये सब चीजें बोलने पे मजबूर करते हो। आप लोग के पॉइंट्स और आप लोग जो भी लोगों को बोलते हो ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, गलत गलत बातें करते हो, उनको डीमोटिवेट करो, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। अगर बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। तो ये दुआ करो कि हम लोग YouTube पे नहीं आए। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को YouTube पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। सो भाई आमिर भाई ने भी हमें कह दिया कि भैया तुम लोग किसी काम के नहीं हो, निखट्टू हो, यूट्यूबर जाओ और ये छोटे मोटे काम करो। मगर इसी बीच मैंने आज भाई एक काम कर दिया, वो काम भाई आमिर भाई को लेके मैंने करा। आप मानोगे नहीं भैया, लोगों ने वीडियो रोस्ट करी है ना, मैं वीडियो रोस्ट नहीं करूंगा आमिर भाई, तुम्हारी कसम से, बुरा मत मानना। तुमने जो शब्द कहे, क्या मजेदार शब्द कहे, वो तो तुमने कह दिया। चलो भाई मैं तुम्हारी वीडियो रोस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि भाई लोगों ने बहुत कर दिया, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। मगर भैया तुम्हारे, जब मैं बैठा था ना, तो मैंने तुम्हारा भैया इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट चेक करा आज, जो मुझे मिली है ना आमिर भाई, कसम से देखकर तुम तो भैया दंग रहोगे और ऑडियंस जितने भी ये देख रहे हैं ना लोग, कसम से आज आप कहोगे भैया आमिर भाई ने ये क्यों कहा। ये आपको इसमें वीडियो में पता भी चलेगा कि आमिर भाई ने ऐसे शब्द क्यों कहे यूट्यूबर्स को लेके, क्योंकि भैया मुझे जो पता चला है वो आपको पता चल जाएगा ऐसे क्यों कहे। तो फ्रेंड जहां मैंने आमिर भाई का ना टिकटॉक अकाउंट जरा खोला, देखिए आप कितनी मेहनत करते हैं आमिर भाई, क्योंकि हम नहीं करते, आमिर भाई मेहनत करते हैं, ठीक है। देखो यार बुरा मत माना, आमिर भाई मेहनत करते हैं तो करते हैं, ठीक है। इनका वेरीफाइड अकाउंट है, 3.5 मिलियन इनके फॉलोवर्स है भाई, हमारे कहा गरीब आदमी है, ठीक है। अब भाई जरा देखिए इनकी, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको इनके, जरा ना एक ये टिकटॉक में जरा देखिए कि आमिर भाई एक ही जैकेट में है, देखो एक ही जैकेट, बेचारे कितने गरीब है, पूरे सर्दियां बेचारे ने टिकटॉक वीडियो बनाई सिर्फ एक ही जैकेट में। अब गुस्सा तो आना ही था कि हम जैसे यूट्यूबर्स पैसे कमा रहे हैं इनकी वीडियो से और आमिर भाई सिर्फ एक ही जैकेट में जी रहे हैं। तो भैया ये गुस्सा आने का पॉइंट, मेन रीजन तो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आमिर भाई ने टिकटॉक पे देखिए पूरी सर्दियां एक ही जैकेट में गुजार दी, बेचारे पैसे नहीं है, कहाँ से बेचारा करेंगे गुजारा। तो भैया ये और मेहनत तो मैं आपको इनको दिखाता हूँ, देखो कितनी मेहनत करते हैं टिकटॉक। अगर एक वीडियो दिखा दूंगा ना आप कहोगे भैया इतनी मेहनत तो यूट्यूबर नहीं कर सकता, इतनी यही कर सकते हैं। भैया चलो मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको जिसको 2 मिलियन व्यूज मिले हैं, ठीक है। आशिका एक चैलेंज, मेरे हाथ में 1 to 10 में से एक नंबर लिखा हुआ है, अगर तू सही गेस करेगी ना तो मैं देखो जो तू मांग। भाई ये मैं इसलिए मैंने बंद कर दिया जल्दी कि कॉपीराइट ना मार दे भाई। भाई आमिर भाई कह रहे हैं कॉपीराइट क्लेम भी कुछ चीज होती है जो यूट्यूबर मारते हैं ना, तो भैया टिकटॉकर भी मार सकते हैं। आमिर भाई का कहना है तो कहीं भाई मेरी वीडियो पे ना मार दे, भाई आमिर भाई का क्या पता, भाई हम छोटे लोगों पे भी ना छोड़े भाई वो। अब मैं आपको आमिर भाई की इंस्टाग्राम आईडी दिखाता हूँ, कमाल की आईडी है कसम से, ऐसी आईडी नहीं देखी होगी आपने, इतने मेहनती बंदे नहीं देखे होंगे इंस्टाग्राम पे कि यार हम तो फेल है यूट्यूबर। तो यहाँ मैं इंस्टाग्राम आईडी देखो आमिर भाई की खोल दिए, कितने फॉलोवर्स है भाई के, 5 लाख से ऊपर है भाई, कसम से भैया यूट्यूबर देख लो हम फेल है इनके सामने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आमिर भाई के फोटोज देखिए, पोज देखिए फोटोज में, यूं यूं यूं
भाई मेहनत का काम है, हम लोग नहीं कर सकते, यही लोग कर सकते हैं भाई। आखिर टिकटॉकर्स को सलाम है भाई, ये आमिर भाई ही कर सकते हैं भाई। भाई तुम्हारी कम्युनिटी के बारे में नहीं बोल रहा, तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ ये बोले तो भैया, क्योंकि अगर कम्युनिटी ना फड़क जाए तुम्हारी टिकटॉक भैया, क्योंकि मैं कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, सीधी बात है भाई अपनी तो ठीक है। इन्होंने तो कम्युनिटी पर सीधा मारा ना, हम तो भैया इन्हीं के बारे में सीधा बात कर रहे हैं भाई। ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी देखी, और इन्होंने भाई मैंने जरा चेक करा है भाई, आमिर भाई को ना गाड़ियों के साथ फोटो खिंचाने में बड़ा मजा आता। देखिए यहाँ ये गाड़ी देखिए आप, आमिर भाई गाड़ी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं ठीक है। अभी गाड़ी किसके भैया नहीं पता, जहाँ मिल जाए खड़ी नुक्कड़ में इधर भाई आमिर भाई ये पोज देते हैं फोटो खिंचाते। एक और फोटो दिखाता हूँ, यकीन नहीं आएगा, ये देखो टायर तक नहीं छोड़ते आमिर भाई तो, कि भैया जो मिल जाए गाड़ी उसके साथ फोटो खिंचानी है। और छोड़ो यार ये तो छोड़ो, छोटी मोटी छोड़ो आमिर भाई, ये देखो। और ये एक ये आमिर भाई ने एक वीडियो डाली इंस्टाग्राम पे जहाँ वो बच्चों गरीब बच्चों को खाना खिला रहे हैं। ये आमिर भाई ना इतने मस्त बंदे हैं ना, मतलब लोगों की हेल्प भी करते हैं ना, तो उसकी वीडियो बना के डालते हैं ताकि लोगों को पता चले आमिर भाई कितने बढ़िया बंदे हैं। कोई वीडियो नहीं छोड़ते भाई आमिर भाई, मौका नहीं छोड़ना भाई। ये देखिए अभी आपको आमिर भाई के एक और गाड़ी के साथ फोटो दिखाता हूँ भाई, उन्होंने ये देखिए अब ये मर्सिडीज के साथ फोटो भाई, जहाँ मिल गई फोटो खिंचानी है भैया, खड़े हो जाओ यूँ करके, मेहनत का काम है भाई, ऐसे हम लोग थोड़ा कर सकते हैं मेहनत। और भाई आमिर भाई को एक शौक है लड़कियों के साथ फोटो खिंचाने का भाई, ठीक है भाई पूरी आईडी चेक कर लीजिए, अब लड़कियों के साथ फोटो मिलेंगे आमिर भाई के, इंस्टाग्राम चेक करोगे लड़कियों के साथ मिलेंगे ठीक है। अब भैया मेहनत है ये, हम यूट्यूब बेचारे अकेले वन मैन आर्मी बन के बेचारे, कोई कर रहा है, कोई अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहा है ठीक है, वन मैन आर्मी बन के है मदद कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मगर आमिर भाई लड़कियों के साथ। आप देखिए जाके टिकटॉक अकाउंट देख लीजिए, चाहे आप इंस्टाग्राम, तो आपको 101% लड़कियों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा ठीक है। और आमिर भाई यूँ खड़े गाड़ियों पर, तो मेहनती बंदे हम कहाँ यार, ये हमसे नहीं होगा यार, ये हमसे हो ही नहीं सकता भाई। तो भैया आमिर भाई सच में भाई तुम्हारी मेहनत को सलाम है यार हमारी तरफ से यार, हम कहाँ। और इवन मैं आमिर भाई के लिए एक तोहफा लाया हूँ एक्चुअली, आमिर भाई जो तुमने वीडियो बनाई ना उसमें तुम्हारा गमछा, कसम से भैया इतना महंगा गमछा तुमने आज तक नहीं देखा, पता नहीं कौन सी बनवाड़ी की दुकान से आमिर भाई लाया है, तो हो सकता है वहाँ से करते होंगे भाई लाए होंगे वैसे। तो मैं आमिर भाई के लिए स्पेशली तोहफा लाया हूँ जो अब से उनको मतलब ये गमछा पहने जुड़ दिया। तो आमिर भाई ये तुम्हारे लिए टाई है मेरी तरफ से, कमाल की है टाई, कुछ नहीं है देखो ऐसे आमिर भाई डाल लेना गले में ठीक है, और कसम से गिरेगी नहीं, एक बार पहनने का बस आमिर भाई मस्त लगोगे, और अगली बार वीडियो इसी में बनाना। मैं आमिर भाई को ये तोहफा देता हूँ मेरी तरफ से, तोहफा आमिर भाई के लिए, चलो साइड में रख देते हैं आमिर भाई ठीक है। तो आमिर भाई मैं मान गया तुम शेर हो भाई टिकटॉक के, मगर भैया एक बात बोलूं, तुम यूट्यूबर्स को जितना समझ रहे हो ना कि हम कुछ नहीं करते, तो ये तो तुम्हारी क्या बोलूं यार, मुंह से गाली नहीं देना चाहता तुम्हें यार, क्योंकि वीडियो में तुमने गाली नहीं दी ना, इसलिए हम तुम्हें गाली नहीं दे रहे यूट्यूबर, अगर गाली दी होती तो उसका जवाब हम लोग तुम्हें गाली में ही देते। तो भैया ऐसा कुछ नहीं आमिर भाई, समझना कि टिकटॉक छोटा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि टिकटॉक छोटा है या यूट्यूब बड़ा है, मैं ये नहीं कहता। इवन यूट्यूब जो है ना वो गूगल का है, और टिकटॉक एक ऐप है, और यूट्यूब जो है ना वो बहुत ही बड़ी है ठीक है, वो कोई मोबाइल पे ऐप नहीं है, वो एक डेस्कटॉप लैपटॉप हर जगह चलती है ठीक। यूट्यूब गूगल के अंदर आती है, और गूगल पता है क्या है, जहाँ पे तुम आज खड़े हो ना गूगल मैप पे, तो वहाँ से तुम्हें हटवा दूंगा। तो ये तो सोचना मत यूट्यूब क्या चीज़ है, गूगल है आखिर वो पूरी, और गूगल क्या है ना पूरी दुनिया को पता है, बोलने की जरूरत नहीं आमिर भाई। और टिकटॉक एक ऐप है ठीक है, एक मोबाइल ऐप तक सीमित है वो अभी तक। और एक बात यार मैं आमिर भाई यार चलो इतना तो छोड़ो भाई, मैं तुम्हें सीधी शब्द में बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ना एक फोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ यार आमिर भाई, तुम्हें जिसके खिलाफ बोलना चाहिए तो तुमने उसके खिलाफ नहीं बोला, अगर ये बात तुम उसके खिलाफ बोलते ना तो कसम से सारे यूट्यूबर तुम्हें सपोर्ट करते, बाय गॉड कह रहा हूँ, क्योंकि भैया एक फोटो है आप देखिए पहले ये, तो यहाँ पर आप देख रहे हो टिकटॉक के फाउंडर ने मुंह पर बोला है ये बात कि ये टिकटॉक आप जो क्रिएट करी गई है टिकटॉक ऐप, ये यूथलेस और जॉबलेस पीपल्स के लिए है। यार ये बताओ अब यार, ये फाउंडर ही तुम्हारा ये मुंह पे बोल रहा है, तो खुद सोचो कहीं यूट्यूब के फाउंडर ने कहीं बात बोली कि मैंने यूजलेस ये इसके लिए बनाई या मैंने बेवकूफों के लिए बनाया, ऐसा कहीं यूट्यूब ने बोला कभी भी, मगर देखो आपके टिकटॉक फाउंडर बोल रहा है, आप बताइए यार, अब आप खुद सोचिए भाई आमिर भाई, तुम्हारे टिकटॉक का फाउंडर ही तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तो यार हम यूट्यूब क्या यार, मैं तुम्हें क्या बोलूं यार, अब तो वर्ड्स ही नहीं है ठीक है। और यार जितनी तुमने अभी 2 साल में इतनी पब्लिसिटी कमाई है ना, तो अभी 2 साल ही हुए टिकटॉक पे आए हुए ठीक है, और आए हुए भी अभी टिकटॉक को इतने साल नहीं हुए इंडिया में आए, और यूट्यूब उससे कई साल पुराना है, तो यार पंगा मत लो, जितना हो ना उतने में रहो आमिर भाई ठीक है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, अगर गलत कहा होता है रियली सॉरी, अब तक की मैं सीरियसली सॉरी मांगता हूँ अगर तुम्हें बुरा लग गया आमिर भाई, मगर भाई किसी चीज़ को कम मत समझो,
आप भी बराबर हो, टिकटॉक भी और यूट्यूब भी बराबर है, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। और ये भेड़ बकरी की चाल और ये यूट्यूब का कंटेंट, ये टिकटॉकर्स जो यूट्यूबर्स कंटेंट चुराते हैं टिकटॉक का, ये आप गलत फहमी में कह रहे हो। जो ट्रेंडिंग में चल रहा होता है ना, उस पर यूट्यूबर हो चाहे टिकटॉकर हो, सब वीडियो बनाते हैं। ये बात आपकी गलत है, कहने की बात नहीं है। और एक बात बताऊं, ये जो आपने इतनी जल्दी फेम पा ली है ना, तो इसका मेन रीज़न बताऊं, दानिश है। अगर दानिश आज होता ना, दानिश आज होता तो तुम जैसे लोग नाम ना कमा पाते। मुंबई का सबसे बड़ा वो था कि मैं ये मानता हूँ कि यूट्यूबर और टिकटॉकर सबसे बड़ा दानिश था, जो इतनी सी उम्र में 20 साल में बंदा कहाँ से कहाँ ऊंचाइयों में पहुंच गया था। उसने आज तक ऐसे गलत वर्ड्स नहीं यूज़ करे, और तुम इतनी हुआ नहीं कि दानिश भाई गए नहीं और तुमने शुरू हो गए बोलना, भाई ऐसा नहीं बोलते। तो यही मुझे कहना था आपको और आमिर भाई, उम्मीद करता हूँ आप सबको और आमिर भाई और मैं उम्मीद करता हूँ आमिर भाई अब आप समझ गए। और किसी के खिलाफ कभी गलत मत बोलना, मैं यूट्यूब और टिकटॉक दोनों की इज्जत करता हूँ, मेरे लिए दोनों ही समान है, ठीक है। मैं टिकटॉक नहीं यूज़ करता, मैंने आज तक अकाउंट बनाया था टिकटॉक पे और आज तक मुझे याद नहीं 4 वीडियो डाली होगी मुश्किल से मैंने, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता टिकटॉक पे, सीधी सी बात है। मैं यूट्यूब ही बनाता हूँ, यूट्यूब पे मैंने 2-3 चैनल बना भी रखे, ठीक है। अब आप चाहे यूट्यूब पे वीडियो डालो और चाहे हमें जितना धमका लो, हम डरने वाले नहीं है। तो ये आपकी गलत फहमी मैंने आज दूर कर दी, तो अब से किसी के बारे में गलत मत बोलना। मेहनत आप भी करते हो, हम भी करते हैं, कोई कम नहीं है, समझ गए हो। नमस्ते, आपने भी नमस्ते किया था ना, तो मेरी तरफ से भी ये वाला नमस्ते एक्सेप्ट कर लेना।